एसएलएस विद्यालय की हिंदी की कक्षा में आप सभी छात्राओं का फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास के आपके 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा में, इवन 6ठी से लेकर के 8वीं कक्षा तक में सूरदास की जो कविताएं हैं वो आपकी दी गई हैं, और परीक्षा में बार बार सूरदास जी के बारे में पूछा जाता है। आज हम उनका जीवन परिचय करेंगे। किसी भी कवि का जीवन परिचय करने में सबसे पहले अगर पेपर में आपका आ जाता है तो ये लिखना है, उसका जन्म लिखना है, उसकी शिक्षा दीक्षा, उसकी भाषा शैली, उसके जीवन के बारे में, उसके माता पिता के बारे में, उसके कार्यक्षेत्र के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में, उसका उसकी जो भाषा शैली है उसके बारे में, और अंत में उसकी मृत्यु के बारे में, मृत्यु कब और कहाँ हुई, ये सब हेडिंग डाल डाल के आपको लिखना होता है, तभी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और ये आपका 5 नंबर का आता है जीवन परिचय किसी भी कवि का। तो आज आशा करती हूँ कि आप लोग इसे बहुत लाभ उठाएंगे। ये मैंने इसमें पूरा खोल के नहीं लिखा है, जो इसके इम्पोर्टेंट पार्ट बनते हैं वो मैंने लिख दिया है, और इसको एक एक पार्ट को मैं खोल के बताऊंगी। सबसे पहले आते हैं जन्म। किसी भी कवि के बारे में अगर हमें जीवन परिचय लिखना है तो जन्म से स्टार्ट होगा। सूरदास जी के बारे में बहुत अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई इनका जन्म कभी मानता है, कोई कभी मानता है, कोई एक सर्वमान्य मत नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। कई बार ईस्वी में भी दे दिया जाता है और कई बार संवत में भी दे दिया जाता है। ईस्वी से संवत 58 साल आगे चलता है। अगर आपको संवत ईस्वी को संवत बनाना है तो उसमें 58 साल जोड़ देंगे। और उनका जन्म हुआ सीही। ये सीही कहाँ पड़ता है? सीही है फरीदाबाद में, अपने हरियाणा के फरीदाबाद में सीही नामक स्थान पर इनका जन्म मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इसको सही नहीं मानते, वो कहते हैं कि रुनकता एक क्षेत्र है मथुरा और आगरा के बीच में, वहां पर उनका जन्म हुआ था। तो उनके जन्म के बारे में हमने ये लिख देना है, कोई सर्वमान्य मत नहीं है, ये भी आप लिख देंगे। फिर आता है, जैसे मैंने ये लिखा भक्तिकार, 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 इसमें भक्तिकार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हिंदी साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले आदिकाल आता है, और आदिकाल के बाद मध्यकाल आता है, और मध्यकाल का पहला पार्ट है भक्तिकाल और दूसरा पार्ट है रीतिकाल। भक्तिकाल के कवि हैं सूरदास जी, और वहां से आपकी ये जो इनकी कविताएं हैं वहां से दी गई हैं। फिर भक्तिकाल में भी कृष्ण भक्त काव्य, कौन से भक्त? कृष्ण भगत। भक्तिकाल में दो तरह की उपासना की गई थी भगवान की, एक तो की गई थी श्री राम की, जिसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी ठहरते हैं, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था। फिर दूसरा है कृष्ण काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, उसके प्रतिनिधि कवि सूरदास जी ठहरते हैं। उन्होंने कृष्ण के ऊपर अपनी सारी रचनाएं कृष्ण के ऊपर लिखी है, और वो कवि तो थे ही नहीं, वो सिर्फ भगवान की भक्ति करते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे। और कहां पर ये है? श्री मंदिर, श्री मंदिर में, श्री मंदिर गोवर्धन पर्वत पर एक मंदिर था, जो कि वहां पर कृष्ण का मंदिर था, और उस मंदिर में भगवान कृष्ण के सुबह उठने से लेकर के उनका उनको नहलाना धुलाना, उनको कपड़े पहनाना, उनका खाना बनाना, और शयन तक सो जाते थे तब तक, वो सारे कार्य करने का उत्तरदायित्व सूरदास जी पर था, क्योंकि सूरदास जी अष्ट छाप के कवियों में सबसे प्रमुख कवि थे। तो किसी ने कहा भी है सूरदास के बारे में, अब ये लिखी है पंक्ति, सूर सूर तुलसी ससी, इसका मतलब क्या है कि जो सूर है वो सूर है, सूर मैंने सूर्य, और तुलसी ससी, शशि मैंने होता चंद्रमा। हिंदी साहित्य के अंतर्गत अगर हम सूर्य और चंद्रमा की बात करें तो सूर्य कौन है? सूरदास जी हैं, और चंद्रमा कौन है? वो तुलसीदास जी हैं। और इनके फिर अगला है गुरु वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी कौन थे? सूरदास के गुरु थे, जिन्होंने, उनका एक पुत्र था विठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना श्री मंदिर जो है, श्रीनाथ का जो मंदिर है,
उसमें श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने के लिए इस मंदिर की स्थापना की गई थी और उन्होंने विठल नाथ ने अष्ट साथ की स्थापना करी थी। और चार जो कवि हैं वो उनके पिताजी के वल्लभाचार्य जी के और चार विठल नाथ जी के कवियों को लेकर के आठ कवियों का एक मंडल तैयार किया गया था और जिसमें से सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। उसके बाद उनकी रचनाएं, ये उन्होंने इनकी रचनाएं हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट, सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन इस बारे में भी कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ कहते हैं कि नहीं वो बाद में अंधे हुए, कोई कहता है कि नहीं वो जन्म से ही अंधे थे। तो लेकिन ये बात तो तय है कि वो अंधे जरूर थे, चाहे वो जन्म से हों या फिर बाद में हुए हों। ये जो उनकी रचनाएं हैं ये उनके शिष्यों ने लिखी हैं। उन्होंने तो शब्द गाए हैं, भजन किया है श्री कृष्ण का और हमेशा वो करते रहते थे। आज भी अगर आप मथुरा और वृंदावन की तरफ जाते हैं तो आपको सूरदास जी वहां पर बैठे हुए मिलते हैं। ओरिजिनल सूरदास नहीं, उनका गेटअप धारण करके ऐसे अंधे व्यक्ति या कुछ अंधेपन का पता नहीं नाटक करते हैं या वास्तव में होते हैं वो वहां पर बैठे हुए मिलते हैं और एक उनके हाथ में एक वीणा टाइप कुछ होती है वो बजाते रहते हैं और वहां पर वो भीख मांगने का काम करते हैं। और उनकी जो रचनाएं हैं वो उनके शिष्यों ने लिखा है, जो उन्होंने गाया उनके शिष्यों ने उसको लिख दिया क्योंकि वो तो अंधे थे, वो लिख नहीं सकते थे। उनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये तीन प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं। इनके अंदर ये बहुत मोटी मोटी पुस्तकें हैं, बहुत सारे इनके अंदर दोहे और ये सब कुछ भरा हुआ है। और इनके अंदर ही भक्ति काल के जो और कवि हैं उनके बारे में भी इनका वर्णन कुछ मिल जाता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे वत्सल्य सम्राट। वत्सल्य सम्राट क्या होता है? वत्सल्य एक रस होता है, जो कि मैंने आपको करवाया था जब रस के भेद करवाए थे तो उसमें वत्सल्य रस हम काउंट करते हैं। वत्सल्य रस कौन सा होता है? वत्सल्य रस होता है एक माँ और बच्चों का जो प्रेम होता है वो वत्सल्य रस के अंतर्गत आता है। ममता का जो जिसमें भाव होता है, जिन पंक्तियों में जिन पुस्तकों में ममता के बारे में लिखा हुआ होता है वहां पर हम रस की बात करें तो वहां वत्सल्य रस ठहरता है। तो वत्सल्य रस का जो वर्णन है वो सूरदास के अलावा और कोई नहीं, इतना अच्छा वर्णन और कोई भी नहीं कर सकता था। पूरे भक्ति काल में अगर वत्सल्य रस देखना है तो वो सूरदास की रचनाओं में ही आपको मिल सकता है। इसके बाद है उनकी भाषा। उनकी भाषा कौन सी थी? उस समय पर भक्ति काल में ब्रज भाषा चली हुई थी। और जैसे तुलसीदास की अगर हम भक्ति की बात भाषा की बात करें तो उनकी अवधि भाषा ज्यादा ठहरती है, ब्रज भाषा में उन्होंने बहुत कम लिखा है। इसी तरह से सूरदास जी ने ब्रज भाषा में अपने शब्दों की रचना की है। और कोमल कंठ पदावली, वो स्वभाव से भी बहुत कोमल थे और जैसा आपका स्वभाव होता है वैसा ही आपकी भाषा में झलक जाता है। वो कभी भी कुछ भी गाते थे तो उनमें अहम की भावना बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में सौंप दिया था और बहुत ही कोमल शब्दों का उनके साहित्य के अंदर प्रयोग मिलता है। जैसे उसका एक नमूना देखिए, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार वही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। इसमें भी वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। तो सूरदास जी ने कृष्ण और यशोदा इनके ऊपर बहुत सारा काव्य लिखा है। तो ये सिचुएशन उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे और उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा दूध पी ले, तेरी चोटी बढ़ जाएगी। जो कि आजकल हम माताएं भी अपने बच्चों के लिए करती थी जब वो दूध नहीं पीते थे कि तेरी चोटी बढ़ जाएगी दूध पी ले। तो उसी सिचुएशन का, उसी स्थिति का यहाँ पर वर्णन है कि मैंने बहुत बार दूध पी लिया है और ये चोटी मेरी अब भी क्यों नहीं बढ़ रही है। ये उनकी भाषा का एक नमूना है। तो सूरदास जी के बारे में अगर आप इतना लिख देंगे आपके लेवल के अनुसार ये बहुत सफिशियंट है, बहुत अधिक है, बल्कि जितना मैंने व्याख्या की है उतना भी आप अगर नहीं लिख पाएंगे, उससे आधा भी अगर आप लिख देंगे इन हेडिंग्स के अनुसार तो आपके पांच नंबर कहीं नहीं जाएंगे। उनकी मृत्यु, आखिर में उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, मृत्यु के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है, वो भी एक मत नहीं है। गोवर्धन जो पर्वत है, जो ब्रज भाषा का क्षेत्र है, यूपी में पड़ता है, ये आगरा मथुरा वृंदावन ये सारा यूपी का क्षेत्र है और वहां पर गोवर्धन पर्वत है जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटे उंगली पर उसको उठाया था। तो उसके निकट एक पारसोली गांव है।
पारसोली गांव है वहां पर 1563 ईस्वी में कहा जाता है कि सूरदास की मृत्यु हो गई थी। तो ये सब आप इसका इसको लिख लीजिए और इसको खोल खोल के जो मैंने बता दिया है ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।